कब तक सिर झुकाकर जुल्म बर्दाश्त करेंगे, कब तक सिर झुकाकर जुल्म बर्दाश्त करेंगे, आंदोलन से देश को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। जनता से टकराएगी वो सरकार कैसे टिक पाएगी। मित्रों नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने YouTube चैनल बिहारी लाल से। मित्रों, जनता की समस्याएं जिसमें ट्रेड लाइसेंस, यूजर्स चार्ज, पानी कर, सफाई कर जैसे मामले को लेकर नगर निगम के खिलाफ जन विकास मोर्चा ने आंदोलन छेड़ रखा है। इसके तत्वावधान में समाहरणालय परिसर में मोर्चा के महासचिव दो दिनों से अनशन पर बैठे हैं। महासचिव आनंद पटेल से मैंने बात की, साथ में आंदोलनकारी मोर्चा के अन्य सदस्यों से बात की जो प्रस्तुत है। आज अनशन पर हम लोग बैठे हैं, दो दिन हुआ है अनशन का। ये ट्रेड लाइसेंस, पानी टैक्स और सफाई टैक्स में जो ये तेहरी मतलब टैक्स जो नगर निगम के द्वारा लगाया जा रहा है, इसके खिलाफ में ये धरना जो है अनशन चल रहा है। जिला अधिकारी महोदय को ये समझ में आता होगा कि भाई ये 50-100 के संख्या में ये लड़ाई लड़ रहे हैं और यही वजह है कि वो अभी तक इस विषय पर वार्ता के लिए इस अनशन स्थल पर किसी अधिकारी को नहीं भेजे, तो वो गलफत में है क्योंकि उनको पूर्व का भी चीज़ों को वहाँ के अधिकारियों से पता कर लेना चाहिए कि जब भी हमारा आंदोलन हुआ है, हम अनशन पर बैठे हैं, तो जब तक जो हमारा मांग है पूरा नहीं होता है तब तक हम वापस जाने वाले नहीं हैं। आज मुजफ्फरपुर में जो स्थिति है वो पूरा नारकीय स्थिति बना हुआ है। कोई भी मतलब मोती झील चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, वो रोड पूरा पानी से भरा हुआ है, गंदा पानी से ये है, और ये आने वाला समय में वो महामारी का भी रूप ले सकता है। इस तरह की गंदगी जो है कि जो पूरा ये है, और उसके बाद जो है ट्रेड लाइसेंस के बाद किया जा रहा है, जब कि ऑलरेडी लोग जो है GST पे दे रहे हैं। एक आदमी अगर चॉकलेट भी खरीदता है तो वो GST पेड करता है। तो GST में के प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि वन नेशन वन टैक्स की बात हुई है। तो ऐसे हालात में कहिए कि ये जो टैक्स है, ये टैक्स जनता पर जबरन जो है लादना, ये बहुत ही गलत है, और इसके लेकर के ये बड़ा आंदोलन का भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जो अभी समर्थन दिख रहे हैं, अभी ग्राम विचार मंच के सैकड़ों महिला जो है आज आई हुई है, सैकड़ों महिला ग्राम विचार मंच के आई हुई है, और वो और भी बहुत सारा संगठन समर्थन देने के लिए वो लगातार आ रहा है। विपरीत परिस्थिति में आई है। दीदी सवेरे से बारिश हो रहा है और बारिश के बावजूद इतने महिलाएं जो है से कि अब आई हैं, तो समझ लीजिए कि आने वाला जो 2-3 दिन होगा यहाँ हजारों की संख्या में लोग दिखेंगे, दुकानदार दिखेंगे, यहाँ पर जो विभिन्न
सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जल जंगल जमीन पर्यावरण पर जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, तमाम के तमाम कार्यकर्ता इस आंदोलन में 2 से 3 दिन में शामिल होने वाले हैं। और यहाँ से छोड़ दीजिए, पटना से भी लोग यहाँ आंदोलन में समर्थन देने वाले आने वाले हैं। मेरा नाम हुआ आनंद पटेल, जन विकास मोर्चा महासचिव। आज अनशन का यह दूसरा दिन है और जिस तरीके की समर्थन इस अनशन को मिल रहा है और पूरे मुजफ्फरपुर के जो व्यवसायी हैं, पूरा व्यवसायी संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सभी का जो इस अनशन को समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से 9 जून को पूरा मुजफ्फरपुर अपना इकट्ठा होकर और एकजुटता का परिचय दिया, सारे व्यवसायी लोग अपने घर से बाहर निकल कर उस दिन बंदी कर यह बता दिया कि यह जो ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, पानी चार्ज, यह जो सौंपा जा रहा है, लोगों को दिया जा रहा है नोटिस, यह उनको बर्दाश्त नहीं है, वो इसको पूरी तरीके से नकार रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि जल्द से जल्द यह इसको वापस लिया जाए, नहीं तो सभी लोग आक्रोशित होकर यहाँ पर बैठने को मजबूर है। आज आनंद भाई बैठे हुए हैं, हो सकता है पूरा शहर इनके साथ खड़ा होकर और इसको वापस कराने के लिए एकजुट हो जाए। इसके लिए पूरा रणनीति जो है लोग अंदर अंदर बना रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये कुमकर्णी सरकार जग जाए और इस तरीके की तानाशाही रवैया को छोड़कर तुरंत इसको वापस लिया जाए। या जन विरोधी जो लगा दिया गया है 3 तरह का काला कानून, इसको वापस लेकर अपनी गलती को सुधार ले, नहीं तो यह आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के अंदर यह 2 साल से कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों का दोहन शोषण हुआ है, सभी की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, खाने के लिए लोग नहीं व्यवस्थित कर पा रहे हैं, कितना दुकान बंद हो गया है। हम लोग गए थे अभी यहाँ पर सदर अस्पताल, हॉस्पिटल रोड, बीना बाजार, आपको इमली चट्टी प्लस सभी लोग 30% दुकान बंद हो गया है, लोगों का आर्थिक स्थिति चौपट हो गया है इस कोरोना काल में और ये पूरे लोग रोड पे आ गए हैं। और ऐसी स्थिति में बताइए, यह सरकार के द्वारा लोगों पर यह जुल्म किया जा रहा है, यह कहीं से भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपके द्वारा, आपके माध्यम से यह सरकार को बताना चाहते हैं कि ऐसा जोर जुल्म छोड़कर इनको जनता की बात करनी चाहिए और जनता जो आज त्रस्त है कोरोना में, उनको सहयोग करने की जरूरत है। तुरंत इसको हटाकर अपनी वो बड़ा हृदय का परिचय दे, यही हम आपके द्वारा सरकार को, यहाँ के नगर आयुक्त को, डीएम साहब को, सभी लोगों को हम निवेदन पूर्वक आज कह रहे हैं, नहीं तो हम लोगों का यह जो अनशन है यहीं पर समाधि के रूप में तब्दील हो जाएगा और जब तक नहीं यह नहीं वापस होगा तब तक यह अनशन खत्म नहीं होने जा रहा है। यहीं पर हड्डी गलेगा, यहीं पर हम लोग बैठे रहेंगे, प्राण त्याग दिया जाएगा ऐसा ऐलान किया गया है और यह हो के रहेगा। आप अपना जिद छोड़ दीजिए, तुरंत से तुरंत इसको वापस लीजिए, तभी जाकर जो है ये यहाँ के जनता को जो है हो पाएगा। इनके आप ही के साथ हमें यह सूचना देता हूँ, राकेश कुमार साहू, जन विकास मोर्चा, सामाजिक कार्यकर्ता। आज आमरण अनशन का दूसरा दिन है, कल से आमरण अनशन स्टार्ट हुआ था। आमरण अनशन स्टार्ट होने से पहले लगभग 2 महीनों से प्रशासन को प्लस जो है कि आम जनता को जागृत किया जा रहा था, उनको भी पहले सूचित किया जा चुका था कि ये जो ट्रेड लाइसेंस है, ये जो यूजर चार्ज है, इसको वापस ले ले। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार,
जब होल्डिंग टैक्स देता है तब ये ट्रेड लाइसेंस देने का क्या औचित्य है, क्या प्रावधान है, ये बातें समझ में नहीं आती है। दूसरी बड़ी बात है कि बिहार के और जिलों में यह लागू नहीं है, यह केवल मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ही लागू है, ऐसा क्यों, ये भी एक प्रश्न है। इसको लेकर भी हम लोग ने जो है कि नगर निगम प्रशासक से RTI डाला था, इसकी हम लोग ने मांग की थी, लेकिन इसका अभी तक हमें उत्तर नहीं मिला है। कोई भी टैक्स अगर कोई जनता देती है, व्यवसाय देती है, तो उसको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, स्थिति जो है कि बिल्कुल नारकीय बनी हुई है, और उस नारकीय स्थिति में टैक्स के ऊपर टैक्स जो है कि लादा जा रहा है। बीच में 2 वर्ष को कोरोना काल में यह कहा गया था कि व्यवसायी हो या आम जन हो, उनको कहीं ना कहीं सुविधा दी जाएगी, मुहलत दी जाएगी, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। उल्टे जो व्यक्ति अगर टैक्स टाइम पे नहीं देता है तो उस पर जो है इंटरेस्ट लगा के जो है कि टैक्स वसूला जा रहा है, जबरन वसूला जा रहा है। ऐसी व्यवस्था और ऐसी कुव्यवस्था तो अंग्रेज के शासन काल में नहीं था, ऐसा अभी देखने को मिल रहा है। जब यह सरकार जो है कि जनता की सरकार है तो जन की बात सोचनी चाहिए, जन की सुविधा के अनुसार कार्य होना चाहिए। अगर ये जन की सुविधा के अनुसार कार्य नहीं है तो ये तो बिल्कुल प्रजातांत्रिक और सामंती व्यवस्था वाली बातें हो गई है। और इसके लिए जो जन विकास मोर्चा के महासचिव आनंद भाई हैं, इन्होंने ये थाना है, और कोई ये मत समझे कि आनंद भाई अकेले हैं, यहाँ जितने साथी बैठे हैं अकेले, और ये 10-10 हजार के बराबर हैं और ये रहेंगे। प्रशासन को अगर लग रहा हो कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं तो ये चंद मुट्ठी भर लोग नहीं हैं, ये पूरी व्यवस्था परिवर्तित करने वाले लोग हैं, और ये पूरे मुजफ्फरपुर को परिवर्तित करके रहेंगे। और उनको जो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं उनको जगना पड़ेगा, और इसको जग के और इस काला कानून को वापस लेना होगा। इसके लिए हम तमाम मुजफ्फरपुर वासी, हम तमाम व्यवसायी गण इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम संजय कुमार मयंक, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आज अनशन का दूसरा दिन है। जन विकास मोर्चा के तत्वाधान में ये जो नगर सरकार के द्वारा ट्रेड लाइसेंस, यूजर चार्ज, जिसमें समायोजन है सफाई का, पूरा टैक्स, ये बहुत ही निंदा का विषय है। इसमें आम जनों में काफी रोष है, जिसके लिए जन विकास मोर्चा दृढ़ संकल्पित है कि जनता पर से, आम जन पर से, हमारे नगरवासियों से ये जो काला कानून जो थोपा गया है ये कैसे हटे। इसके लिए हम लोगों ने 9 तारीख को हमने पूरा मुजफ्फरपुर बंद किया था, जो गांधीवादी तरीके से बंद हुआ। अपने आप सभी लोग, चाहे वो इस्लामपुर हो, टावर हो, मोती झील हो, लहठी मंडी हो, सूतापट्टी हो, अखाड़ा घाट हो, स्वर्णकार भाइयों का दुकान हो, सभी लोग ने बंदी का कर इस मोर्चा को सफल बनाया। अन्य जगह पत्राचार करने के बाद भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबों के यहाँ पत्राचार किया, परंतु निराशा हाथ लगी, और उसके उपरांत न कोई वार्ता, न किसी प्रकार का कोई पहल हमारे इधर नगर सरकार के तरफ से, चाहे जिलाधिकारी महोदय के तरफ से हुआ, और उल्टे शहरवासियों को जबरन चलान काटना, दुकान सील करना, ये सब होती रही। उससे हम लोग पूरी तरह, मोर्चा के लोग आहत हुए। इसलिए हम लोग ने दृढ़ संकल्पित होते हुए, और आदरणीय बड़े भाई
मोर्चा के महासचिव आदरणीय आनंद पटेल जी के सानिध्य में अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। जी, आज की जो धरना जिला समाहरणालय पर अनशन अनिश्चितकालीन के लिए जो बैठ हुई है, इस अनिश्चितकालीन धरना पर अनशन पर हमारे बड़े भाई आनंद पटेल जी, जो जन विकास मोर्चा के मतलब महासचिव हैं, और इन्होंने कुछ दिन पहले शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा जो एक्स्ट्रा टैक्स जो है कर के रूप में आम जनता पर, आम जनमानस पर जो डाला गया है, जैसे ट्रेड लाइसेंस, पानी का शुल्क, पूरा डोर टू डोर कूड़े के कलेक्शन का जो टैक्स होता है, सो इस तरीका का जो टैक्स डाला गया आम जनता के ऊपर, उसके लिए आनंद पटेल जी ने मोर्चा के बैनर के तहत शहरी क्षेत्र में इन्होंने घूम घूम के लोगों को जागृत करने का काम किया, और सरकार से भी मांग रखी कि ये जो शोषण हो रहा है लोग टैक्स के माध्यम से, उनको ये वापस ले। इसके लिए आनंद पटेल जी आज जिला समाहरणालय के धरना स्थल पर अनशन कर रहे हैं। हम कन्हैया कुमार गुप्ता वार्ड नंबर 23 के निकटतम प्रत्याशी हैं, और हमारा जो क्षेत्र है वार्ड 23, वो क्षेत्र कंप्लीट व्यवसायी क्षेत्र है, और वो व्यवसायी क्षेत्र है और शहर के हृदय स्थली में उसको जाना जाता है, मोती झील, इस्लामपुर, जवाहरलाल रोड, ये सभी जो प्रमुख सड़क है और प्रमुख मंडी है, जो व्यवसायी का क्षेत्र है, जहाँ से करोड़ों करोड़ों रुपए टैक्स जो है सरकार को मिलता है, वैसे जगह से हम चुनाव लड़ते हैं। वहाँ पर व्यवसायियों की पीड़ा यह है कि जगह जगह नाले के लिए गड्ढा खोद दिया गया, जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, लोग नारकीय जीवन जीने पर विवश है, किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा है। कोरोना काल खत्म हुआ और फिर ये स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को जो है गड्ढा गड्ढा करके छोड़ दिया गया, और हम लोग का घर भी वहाँ पर है, हम लोग निकलते हैं तो घुटने भर पानी को हेल के निकलते हैं। ये नारकीय स्थिति बनी हुई है इस शहर का। तिलक मैदान जाके देखिए, तिलक मैदान क्षेत्र जो व्यवसायी मंडी है, वहाँ अधनिर्मित नाले का निर्माण करके छोड़ दिया गया, वहाँ निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था। इधर कुछ दिनों से डीएम साहब की नज़र पड़ी है, जिलाधिकारी महोदय की नज़र पड़ी है, आनंद पटेल जी द्वारा जो मुद्दा उठाया गया, उस मुद्दे में तिलक मैदान का भी शामिल किया गया। इन सभी मुद्दों को सुनते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने अविलंब वहाँ काम शुरू करवाया है, लेकिन आप तिलक मैदान में भी जाइएगा तो आपको ठेऊना भर पानी का सामना करना पड़ेगा। ये हमारे वार्ड की नारकीय स्थिति बनी है। और होल्डिंग टैक्स स्वामी जो होल्डिंग का टैक्स देते हैं, वैसे लोगों से पानी का टैक्स लिया जा रहा है, जो ये गलत है। हम लोग इसका विरोध करते हैं कि हम लोग होल्डिंग स्वामी होते हुए, आखिर सरकार की योजना है हर नल जल नल योजना, अगर हर नल जल नल योजना के तहत अगर सरकार इस चीज़ को कहती, बिहार सरकार इस चीज़ को कहती कि आप जिन लोगों को कनेक्शन लेंगे पानी का, उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो हो सकता है कि ये शहरी क्षेत्र में अधिकांश लोग अपना कनेक्शन नहीं लेते, इस कनेक्शन को बहिष्कार कर देते, कहते हमको कनेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि नल जल योजना के तहत लोगों को ये मनसा था कि सरकार ने जो है से हर व्यक्ति को पानी मुहैया कराने के लिए हर नल योजना लागू किया है जो फ्री है, इसलिए सभी लोगों ने सुविधा के अनुसार उन्होंने अपना लिया। लेकिन उस टैक्स का इतना कर ज़्यादा है कि हम गरीब आदमी, होल्डिंग स्वामी जो गरीब है, वो लोग नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम इस अनशन के माध्यम से आनंद पटेल जी के समर्थन में, हम माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से, हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो टैक्स निर्धारित किया गया है, ये जनमानस के ऊपर जो टैक्स निर्धारित किया गया है,
ये टैक्स के बोझ को जनता नहीं सह पा रही है, इसलिए आप इस टैक्स को वापस ले, कोई ऐसा निर्णय करे जिससे ये टैक्स वापस हो और जनता को एक राहत मिले। इसके लिए हम इस अनशन के समर्थन में आज इनके साथ बैठे हैं। मेरा नाम हुआ कन्हैया कुमार गुप्ता, वार्ड नंबर 23, निकटतम प्रत्याशी नगर निकाय मुजफ्फरपुर।